अमित शाह का मुंबई दौरा आज, बीजेपी ने की मेगा स्वागत की तैयारी। बीजेपी संगठन के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुंबई में दो दिवसीय दौरा शनिवार से शुरू हो रहा है। मुंबई में अमित शाह के मेगा स्वागत की तैयारी बीजेपी ने की है। मुख्यमंत्री बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार के मार्गदर्शन में 15,000 कार्यकर्ता एयरपोर्ट से लेकर सह्याद्री गेस्ट हाउस तक उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र में एमवीए की एकजुटता और कभी भी घोषित होने वाले डीएमसी सहित राज्य के नगर निगम चुनावों को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे 16 अप्रैल को ये नवी मुंबई में राज्य सरकार द्वारा अप्पा साहब धर्माधिकारी को दिए जाने वाले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह मुंबई नगर निगम और स्थानीय निकायों के चुनाव के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लेकर भी मुंबई में रणनीति बनाएंगे। शनिवार की शाम को सह्याद्री गेस्ट हाउस में अमित शाह की मौजूदगी में राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक भी होगी। इस बैठक में विपक्ष के खिलाफ मजबूत रणनीति पर शाह जमीनी हकीकत की समीक्षा कर बीजेपी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। कभी भी घोषित होने वाले नगरपालिका चुनाव को देखते हुए अमित शाह का ये दौरा पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार शरद पवार की पहल पर महाविकास अघाड़ी में एकजुटता के संकेत मिल रहे हैं, उससे बीजेपी खेमे की चिंता बढ़ी हुई है। उधर राहुल गांधी भी मातोश्री आकर उद्धव से मिलने वाले हैं। बीजेपी के खिलाफ अघाड़ी मजबूत होती कड़ी को तोड़ने का काम अमित शाह ही कर सकते हैं। मुद्दों के साथ चुनाव जीतने के लिए अमित शाह बीजेपी नेताओं को कुछ नए टिप्स भी दे सकते हैं। आगामी विधानसभा, लोकसभा और नगर निकाय चुनाव को देखते हुए एमवीए ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है।